नमस्कार दोस्तों, PCS एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए यूपी स्पेशल का पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 है दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 18 जून 2001 से शुरू की गई थी। जो हमारी किसान मित्र योजना थी वो किससे थी? किसान को सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराना था। जो किसान थे, हमारे किसान लोग थे, किसान मित्रों द्वारा सबको जानकारी उपलब्ध कराना, क्या क्या कैसे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? किस फसल का? तो वो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? गेहूं का। जो हमारा गेहूं है, उत्तर प्रदेश में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। और जो हमारा गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक गोरखपुर है हमारा। जो सर्वाधिक उत्पादकता होती है किस मिट्टी में होती है? गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होती है। और इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। जो हमारा होता है 24% भाग पर गेहूं की खेती होती है हमारे उत्तर प्रदेश में। 24% भाग पर गेहूं की खेती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो जो हमारा प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी? पंतनगर में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो हमारी प्रमुख फसल है गेहूं है, जो कि अभी बताएं गेहूं जो हमारा 24% भाग पर खेती की जाती है इस गेहूं की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो जो हमारा लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? वो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। मिर्ज़ापुर झांसी में पाई जाती है। जो हमारी ये लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस तथा चूने की कमी होती है तथा लौह तत्व तो जो हमारा होता है आयरन 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 की अधिकता होती है। जो हमारा होता है लाल मिट्टी में, इसमें क्या क्या किसकी दलहन और तिलहन की खेती होती है मैक्सिमम? दलहन और तिलहन की खेती होती है मैक्सिमम। और ये जो पाया जाता है मिर्ज़ापुर झांसी में। जो हमारा आगरा मथुरम पाया जाता है, वो आगरा मथुरम जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मरुस्थली मृदा पाए जाते हैं। और एटम मैनपुरी में पाए जाते हैं लवड़ी तथा छारी पाए जाते हैं। जो होता है लवड़ी तथा छारी पाए जाते हैं, छारी मृदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सस्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो कितने जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सी आई होगा, 9 है। तो जो हमारा पहला है भावर एवं तराई क्षेत्र है। जो हमारा दूसरा है पश्चिमी मैदान है। तीसरा जो हमारा है मध्य पश्चिमी मैदान है। जो हमारा चौथा है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान है। जो हमारा पांचवा है मध्य मैदान है। जो हमारा छठवां है बुंदेलखंड प्रदेश है। जो हमारा सातवां है उत्तरी पूर्वी मैदान है। आठवां जो हमारा है वो पूर्वी मैदान है। नौवां जो हमारा है विंध्य प्रदेश, वही विंध्याचल मिर्ज़ापुर विंध्य प्रदेश है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? तो देखते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। तो धान जो ऑप्शन नंबर ए होगा, धान है, मक्का, गेहूं, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। तो थोड़ा देखते हैं दुग्ध उत्पादन संबंधी जो हमारे कार्यक्रम चलाए गए थे कौन कौन था। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना चलाई गई थी। पहला जो हमारा कार्यक्रम था ये 1993 से 1994 में चलाई गई थी। ये इसका उद्देश्य था राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन का बढ़ावा देना। जो हमारा दूसरा था महिला डेयरी योजना था। महिला डेयरी योजना 1996 से 1997 तक चलाई गई थी। इसमें क्या था कि जो हमारा महिला डेयरी थी, इसमें क्या था, जो हमारा आय है उसमें वृद्धि करने के लिए।
इसके बाद हमारा जो तीसरा था में गोकुल पुरस्कार योजना था, जिसमें अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं के रखने हेतु प्रोत्साहन देने के बढ़ावा देने के लिए इसमें इनाम दिया जाता है। चौथा जो था कामधेनु डेयरी योजना, राज्य में इसमें तो क्या था कि राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु बैंक ऋण प्रदान करता था, जो कि 12% या 14% पे देता था, 5 वर्ष के लिए देता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है तो किसका है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं का है विक्रय अधिशेष अधिकतम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो हमारा किसकी अवधि न्यूनतम है? चना का तो ज़्यादा, मसूर का ज़्यादा, अरहर का, मूंग जो है उसका न्यूनतम इसका 2 से 3 महीने का है मूंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गेहूं गन्ना और आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादक है, गेहूं गन्ना और आलू का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रवाहित जिला कौन सा है? तो जो सबसे अधिक प्रवाहित जिला उसका ऑप्शन नंबर सी इटावा सही होगा। ये जो हमारा इटावा आता है दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी में आता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई तो कब लागू की गई थी किसान बही योजना? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 1992 में लागू की थी। ये जो हमारा किसान बही योजना है, ये जो हमारे जोत धारक होते हैं, जोत धारकों की उनकी जोतों की जानकारी देने के लिए जोत बही बनाई गई थी, किसान बही योजना बनाई गई थी। अगला ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो हमारा जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो वही पश्चिमी क्षेत्र इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं पश्चिमी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि संरक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है संरक्षण के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए वृक्षारोपण करना ये तो सही है आवश्यकता होता, बी मेड़बंदी भी करना आवश्यकता है, जल निकासी का उचित प्रबंधन करना ये सही है, ऑप्शन नंबर डी है जो पर्याप्त रासायनिक खाद का प्रयोग ये गलत है, पर्याप्त यही इससे इसमें उल्टा दिया आवश्यक नहीं है, ये सब तो आवश्यक जो आवश्यक नहीं है जो पर्याप्त रासायनिक खाद का प्रयोग है ये आवश्यक नहीं है, इससे क्या होती है हमारा मृदा जो होती है खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्रदेश को कुल कितने प्रस्थित क्षेत्रों में बांटा गया? प्रस्थित क्षेत्रों में तो कितने प्रस्थित क्षेत्रों में बांटा गया? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 20 20 में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है तो किसका है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दूध का है, दाल का भी नहीं है, केले का भी नहीं है, चावल का, दूध का है अग्रणी उत्पादक। इसका ऑप्शन 18 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, जो नकदी फसल है हमारा गन्ना है, गन्ना जो हमारा सबसे नकदी फसल क्योंकि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते तुरंत, इसको ले जाके इसको हमें नकद ही देना पड़ता नकद ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दलहन फसल का क्षेत्र तो किसका सर्वाधिक है? इसका देखते हैं, जो हमारा चना होगा चना का सर्वाधिक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चना का जो हमारा है सर्वाधिक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, जो हमारा श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पे है वो किस क्षेत्र में है? तो इसको देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया? सीमांत कृषक जो हमारा सीमांत कृषक होते हैं उनको कहा गया, किन्हें कहा गया? जिनकी 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं उन्हें सीमांत कृषक कहा गया, जिनकी 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है, जो हमारी खरीफ फसल है उसकी बुवाई कब होती है? तो इसको जो हमारी खरीफ फसल की बुवाई होती है उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जून जुलाई के दौरान होती है। जो हमारी खरीफ फसल में आते हैं चावल आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, ये हमारे खरीफ फसल के फसल है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है जिस जिस उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका उत्पादक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसका उत्पादक है? तिलहन का उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, जो आंवला है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ जिला है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राज्य में संतरे राज्य होगा, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला है, तो कौन जिला है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सहारनपुर है, उसके बाद मेरठ है संतरे का पैदा करने वाला।